जनपद रामवती के विकास प्रक्रिया अंतर्गत हेमपुर गांव में आयोजित रामलीला में आज इस पुनीत अवसर पर इस लोकसभा के गौरव आदरणीय सांसद श्री दर्शन मिश्रा जी पधारे हैं, जिनका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। अब मैं आदरणीय सांसद जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह के पावन अवसर पर आयोजित अपने हेमपुर गांव में रामलीला के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे क्षेत्र के गौरव बड़े भाई प्रधान बलनपुर बसंतपुर पूर्व अध्यक्ष प्रधान श्रावस्ती आदरणीय घनश्याम पाठक जी, ब्लॉक प्रमुख सिरसिया भाई अमित शुक्ला जी, इस रामलीला समिति के सम्मानित अध्यक्ष मंत्री, सभी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, रामलीला का मंचन कर रहे सभी कलाकार बंधु उपस्थित मुख्य समस्त ब्राह्मण महानुभाव हेमपुर और आसपास से आए हुए सभी पिता के बुजुर्गों नौजवान साथियों प्यारे बच्चों हमारी माताएं बहनें भी भारी संख्या में उपस्थित हैं। आप सब लोग अपना इस पावन अवसर पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी से आप सब लोग के लिए आशीर्वाद की कामना करता हूँ। साथियों आज हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारे समाज में विकास और तरक्की की है हमारे समाज में तमाम तरह की बुराइयां और विसंगतियां भी व्याप्त होती जा रही है। इस भाग भाग की जिंदगी में हम अपने इष्ट अपने आराध्य की उपासना करने के लिए वक्त और समय नहीं निकाल पाते हैं। ऐसे अवसरों का लाभ उठाकर हम अपने इष्ट अपने आराध्य की उपासना करके अपने अंदर व्याप्त बुराइयों और विसंगतियों को दूर कर आप सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जीवन एक आदर्श है। आज हम जिस तरह से हमारे समाज में तमाम तरह की बुराइयां और विसंगतियां व्याप्त हैं, अगर हम सब लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन दर्शन को आत्मसात करें तो हमारे समाज में व्याप्त तमाम तरह की बुराइयों और विसंगतियों का स्वतः समाधान संभव हो सकेगा, क्योंकि रामचरितमानस में स्पष्ट उल्लेख है कि किस तरह से एक भाई का भाई के साथ व्यवहार होना चाहिए, पति का पत्नी के साथ, पत्नी का पति के साथ, पिता का पुत्र के साथ, पुत्र का पिता के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, इसका स्पष्ट उल्लेख रामचरितमानस में मिलता है। तो अगर हम सब लोग मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन आदर्श को आप बात करें तो हमारा जीवन भी सफल होगा और समाज में तमाम तरह की बुराइयों का भी अंत होगा और शायद रामलीला के मंचन का पावन उद्देश्य भी यही है। चूंकि कोई